कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठे किसानों का संघर्ष दिन प्रतिदिन तेज होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कानूनी पैनल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सेक्टर 35 स्थित किसान भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कानूनी पैनल ने कहा कि चल रहे आंदोलन के अगले चरण के तहत 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश द्वार बंद करेंगे, किसी का भी प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। ये जाम 5 घंटे का रहेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील प्रेम सिंह भंगो की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता में दिल्ली सिंघू बॉर्डर से कानूनी पैनल के 4 सदस्य रमिंदर सिंह, हरपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह और धर्मिंदर सिंह शामिल हुए। इन सभी ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश के सभी रास्तों को बंद किया जाएगा। ये जाम सुबह 11 बजे से अपराहन बाद 4 बजे तक रहेगा। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी के बाद से किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। गौरतलब है कि सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के 36 किसान नेताओं पर 3-3 FIR दर्ज की गई है। 151 किसानों को जेल में डाल दिया गया। 26 जनवरी की घटना पर 8 फरवरी तक गिरफ्तारियां जारी रही। अभी भी पंजाब में किसानों को डराने के लिए रोजाना नोटिस भेजे जा रहे हैं। किसानों पर वह धाराएं लगाई जा रही हैं जो लगनी नहीं चाहिए। यह संविधान और लोगों के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने बताया कि वह अभी तक 125 किसानों की जमानत करवा चुके हैं। अदालत ने पुलिस की कहानी को नकारते हुए सभी किसानों को जमानत दी है। पैनल ने कहा कि जिन किसानों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा जाए और उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएं। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें महिलाएं पूरी तरह से भागीदारी कर रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस पर बड़ी संख्या में महिलाएं सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगी। किसानों के ट्रैक्टर आज भी थानों में खड़े दिखाई दिए जिन्हें तोड़ दिया गया है। हरियाणा की आजाद पार्टी के घर ईडी ने इसलिए छापेमारी की क्योंकि उन्होंने किसानों का खुलकर समर्थन किया। इसके अलावा किसानों का सहयोग करने वाले दिल्ली के कई मीडिया कर्मियों पर भी मामले दर्ज किए गए। 150 से ज्यादा वकील गिरफ्तार किसानों को निशुल्क कानूनी सेवाएं दे रहे हैं। वही वकीलों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, गिरफ्तार किसानों को रिहा करने, झूठे मुकदमे वापस करने और न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बो